नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ मुझे ये लगता है जिस बिजनेस में ये कंपनी है उसके पीयर के मुकाबले में उसके पीयर में सिर्फ मुझे लगता है एक ही ऐसी कंपनी है जो इनकी बराबरी करती है हाँ इससे वो काफ़ी बड़ी कंपनी है ये बात मैं मानता हूँ लेकिन ये स्टॉक ना है सिर्फ़ और सिर्फ चालीस रुपये का बीच में एक बहुत ही शानदार तेज़ी हुई थी और उससे पहले भी ये मेरे दिवाली पिक स्टॉक्स में से एक था वहाँ से स्टॉक मोर देन ट्वेंटी परसेंट की आपको तेजी दिखाया और अब वापस से उस लेवल पे आ गया है तो देखना यह है कि क्या आने वाले एटलीस्ट सिक्स मंथ के लिए ये एक बहुत अच्छा क्वार्टर है क्या ये जो स्टॉक है ये अपने बहुत बड़े सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे और क्यों मुझे ये लगता है अगर एक वो चीज है जो स्टॉक की एक बहुत बड़ी रैली एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने से बचा रही है अगर वो बस हट जाती है ना स्टॉक नो डाउट आने वाले समय में काफी अच्छी दिखा सकता है ये एक सीजनल काइंड ऑफ स्टॉक है काइंड ऑफ क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं मैं इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसलिए प्लीज अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं निवेश की सोच रहे हैं इवन ऐसा कोई स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढ रहे हैं जहां पर आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छी तेजी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे और अगर चैनल पहली बार आए हैं इसी प्रकार के कंटेंट के लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब का बटन दबा के तो अब सीधा लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ देखिए स्टॉक का नाम क्या है मुक्का प्रोटीन लिमिटेड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें जानने को मिलेंगी सर स्टॉक कहाँ चला जाएगा कैसे आ जाएगा क्योंकि स्मॉल कैप में मैं हमेशा कहता हूं बहुत बहुत ज्यादा डेंजर होता है और स्पेशली तब जब बाजार गिरने के चांसेस ज्यादा दिखा रहा हो देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट तीन प्रतिशत के आसपास की गिरावट हुई है लेकिन पिछले छह महीने में ना स्टॉक ने निचले स्तरों से बल्कि मैं कौन दो तीन महीने में ही निचले स्तरों से एक बहुत अच्छी चीज दिखाई कैसे हम सिर्फ छह महीने पहले चलते हैं ये देखिए ये रहा इकतीस रुपए का स्टॉक और भाई साहब यहाँ से जो स्टॉक भागा है 74% की तेजी स्टॉक कहां तक गया फिफ्टी फोर में और मुक्का प्रोटीन अगर आपको याद हो ये दिवाली पिक्स में मिल रहा है ये जो आप कह सकते हैं जो प्रायटी पैनल ग्रुप है जो ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन करते हैं वहां पर ही मैंने चर्चा की हुई है ये जो स्टॉक है ना यार ये एक बहुत ही शानदार स्टॉक है उस समय मुझे लगता है एटलीस्ट थर्टी रुपये तो मुझे ये स्टॉक इतना ज़्यादा अंडर वैल्यूड लगता था ना जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है हाँ और मैं हमेशा कहता हूँ जब इतनी बड़ी रैली आ जाए ना अचानक से हमेशा पार्सल प्रॉफिट बुक कर लें और स्टॉक में आप चाहे जितना भी बुलिश हो अगर आप शॉर्ट टू मिनम टर्म हैं और आपको ये स्टॉक इस प्रकार की रैली दिखा देते हैं प्लीज़ निकल जाइए वरना होता क्या है होता यही है जो यहाँ हो रहा है ये देखिए ये ऊपर गया उसके बाद वापस से स्टॉक वहाँ से आकर कहाँ तक आ कहां गया थर्टी एट के आसपास और मैं आपसे बता दूँ स्टॉक के लिए मुक्का प्रोटीन के लिए थर्टी टू फोर्टी टू ये जो चार रुपए ना ह्यूमन सपोर्ट है अगर आप कुछ ऐसा लेवल जानना चाहते हैं कि भाई यहां पे मुझे स्टॉप लॉस लगा देना है कि अगर ये टूटता है मैं स्टॉक से ईमानदारी से निकल जाऊंगा थर्टी एट और अगर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं थर्टी सिक्स ये वो लेवल है ना जहाँ पे आपको निकल जाना है क्योंकि अगर ये वापस से तोड़ दिया ना दो चार दिन में तो मुझे लगता है फिर वापस ये तीस से बत्तीस रुपये में चला जाएगा और फिर वहाँ से वापस से तेजी आना एक टफ चांसेस होंगे ओके लेकिन मुक्का प्रोटीन के लिए फोर्टी रुपीज एक काफ़ी शानदार है और ऊपरी स्तरों पे जब तक स्टॉक एटलीस्ट पचास रुपए के पचास से पचपन रुपए के ऊपर नहीं चला जाता ठीक है और सस्टेन नहीं करता तब तक कोई ऑलमोस्ट बड़ी रैली है ऐसे होने के चांसेस कम है लेकिन हाँ ये रैली आएगी ऐसा मुझे अब नहीं लगता है और आने वाले समय अगर वीकनेस जारी रहेगी ना तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ना स्टॉक एक बार फिल करने जरूर आएगा और ये कहाँ जा करके फिल खत्म होता है ये देखिए ये पहला थर्टी नाइन में जो यहाँ पे वापस से जंप आया

प्योरली बिजनेस प्रोस्पेक्टस से देखिए स्टॉक मात्र और मात्र 1296 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है स्मॉल कैप कंपनी है कितनी भी अच्छी चीज़ें हो जाए ऐसे माइक्रेट कैप मार्केट कैप के स्टॉक जो हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और जो हमने पहले देखा ही भाई साहब कल थे इकतीस रुपए के महीना भर भी नहीं हुआ 74 फोर परसेंट रिटर्न दे स्टॉक फिफ्टी टू चला गया तो ये वॉलेटिलिटी अगर आप तैयार रहते हैं तभी ऐसे स्टॉक्स में डालें ठीक है बुक वैल्यू तेरह रुपये की है यानी थ्री टू फोर टाइम्स के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है थ्री टू फोर टाइम्स जो कि मैं कहूँगा ना बहुत ज़्यादा सस्ता है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ठीक है इट्स ओके okay. एक भी अच्छा अगर क्वार्टरली रिजल्ट आता है क्योंकि प्रॉब्लम मुक्का पोटिन की यही है इससे काफ़ी समय से ना अच्छे क्वार्टरली नंबर्स नहीं दिए ठीक है स्टॉक की पी एटीन पॉइंट फाइव इंडस्ट्री की पी से तो भाई साहब सस्ता ही मिल रहा है कोई डिविडेंड नहीं देता ये फेस वैल्यू मात्र एक है आर ओ सी आर ओ ही कोई बहुत अच्छा नहीं लेकिन हाँ ठीक है नॉट दैट बैड प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बहुत तगड़ी रखी हुई है ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है ठीक है कोई ब्लेच परसेंटेज नहीं है देखिए डेट ना कंपनी में है कंपनी के पास जो डेट है ना वो थोड़ा ज़्यादा और इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम पिछले बारह महीनों में चौहत्तर करोड़ रुपए की प्रॉफिट है यानी ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है ये कोई बहुत ऐसा प्रॉफिट नहीं देती जिसको आप देख के वाव बोलते हैं लेकिन हाँ इट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी ये एक अच्छी चीज़ है बिजनेस क्या करती है प्रोटीन नाम सुना ही होगा आपने तो देखिए फिश मील फिश ऑयल फिश सोल्यूबल पेस्ट एज वेल एज डेवलपिंग अल्टरनेटिव प्रोटीन्स वॉच ब्लैक सोल्जर फ्राई फी एस एफ इंसेक्ट मील इन द एनिमल फूड सेगमेंट यानी ये एनिमल फूड सेगमेंट में भी है फिश ऑयल सेगमेंट में भी है स्पेशली देखिए और मुझे लगता है जो फिश ऑयल का बिजनेस है ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है ठीक है और ये लीडिंग फिश मैन्यूफेक्चरर है ये देखिए लीडिंग इन फैक्टर द कंपनी इज अडिंग प्लेयर इन इंडियन फिश प्रोटीन इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूटिंग ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट टू द इंडियन फिश मील एंड फिश ऑल इंडस्ट्री और यकीन मानिए आने वाले टाइम में ना ये जो फिश प्रोटीन इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा जंप करेगी समय लगेगा बट इट्स अ ग्रेट स्टॉक इन अ लॉन्गर रन ओके इसको किसी बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे तब बात करेंगे अभी क्या है ये व्यूअर चॉइस स्टॉक है तो मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा डीप जाने वाला नहीं हूँ अब ये चलते हैं ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना ये देख बहुत तेजी आई थी ये देखिए क्या वॉल्यूम्स का था बट क्या हुआ फिर वापस से गिरावट अच्छी चीज़ क्या है अभी भी आपका जो स्टॉक है ना वो ये देखिए फिफ्टी डे डीएमए के हल्का सा नीचे चला गया है और ट्वेंटी डी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो बहुत ही मिड साइज सेक्शन में है ओके ये चीज़ ध्यान में रखिए अब अगर आप नीचे चलते हैं कौन क्या है कि ये डिविडेंड पे नहीं करती अब भैया कर्जा जिस कंपनी में इतना ज़्यादा वो डिविडेंड कहाँ से पे करेगी ठीक है अगर कर्जा कम रहे बहुत अच्छा कैश रहे तो आप डिविडेंड पे करो आप पास इतना कर्जा है ऑलमोस्ट आप आपका कर्जा बढ़ने वाला है आपके आपके कह जब कैश है तो आप, तो आप डिविडेंड कैसे ही दे दोगे डेबिटेड डेज बढ़े हैं तो ये थोड़ा मुझे लगता है चिंता का विषय है डेबिटेड डेज थोड़े से कम होने चाहिए थे हाँ कंपनी ने प्रॉफिट ग्रुप बहुत अच्छी दिखाई थर्टी एट पॉइंट फोर परसेंट कैगर से पिछले पाँच सालों में रही है रिटर्न इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पिछले तीन सालों में आ रही एटीन पॉइंट एट परसेंट रहा है तो ये अच्छी चीज़ें हैं अब मैं ना अब देखिए कंपेरिजन किस है गोदरेज एग्रोवेट और अगर आप लोग मेरे थोड़े पुराने व्यूअर होंगे दो साल पहले गोदरेज एग्रोवेट में जब आपको याद होगा एनिमल फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इशूज चल रहे थे बहुत ही ज्यादा मार्जिन को लेकर प्रेशर था इतने ज्यादा वीडियोज़ बनाए थे मैंने एग्रोवेट में मैंने कहा था अगर विजन ना दो तीन साल का है इससे अच्छा मौका एग्रोवेट आपको कभी नहीं देगा स्टॉक ऑलमोस्ट वहाँ से तीन चार गुना हो चुका है अब तो मैं यही कहता हूँ जब कोई स्टॉक ना अंडर हो और आप थोड़े पेशेंस रिवेस्ट थोड़ा लंबे समय का है आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक मिलते हैं और मुक्का प्रोटीन में मैं अभी एकदम कन्फर्म नहीं कह सकता लेकिन हाँ इसके लक्षण हैं इसे अभी अपना मेंटल जो है प्रूव करना है इसीलिए जितना मैं कॉन्फिडेंस गोदरेज एकट में था मुक्का प्रोटीन में उतना ज़्यादा मैं नहीं रह सकता लेकिन हाँ बहुत सारे निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन है ये बात मैं मानता हूँ अब नीचे चलते देखिए सेल्स प्रॉब्लम कहा है सेल्स तो में अगर आप देखोगे तो दिसंबर तेईस में तीस परसेंट उसके बाद से लगातार ईयर ईयर ऑन कंपनी एक्सट्रीम प्रेशर में स्पेशली आपके जून क्वार्टर में तो आपने हालत ही खराब कर दी और मैं हमेशा कहता हूं जब अगर स्टॉक इतना ज्यादा रैली दिखा देता है ना और आप इस प्रकार के खराब नंबर पेश करते हैं तो वही होता है फिफ्टी टू से वापस से आप फोर्टी थ्री पे आ जाते हैं ओके इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे वन मिनट कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसमें भी कमी आई है एट पॉइंट जीरो एट परसेंट रही है आपका जो टैक्स परसेंटेज है वो फाइव पॉइंट जीरो फाइव परसेंट रहा तभी हाल है आपका जो नेट प्रॉफिट है वो भी मात्र पाँच करोड़ का था मतलब भाई साहब आप इतने अच्छे देते दे दे थे अब आप यहाँ पर आ गए ई पी एस मात्र चौदह पैसे की है आपकी सबसे अच्छी ई पी एस आई थी एक रुपये अट्ठाइस पैसे की लेकिन इसमें एक कैच है क्या कैच है ज़रा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ देखिए इसके लिए जो क्वार्टर्स होते हैं ना वो देखिए दिसंबर क्वार्टर फिर मार्च क्वार्टर ये जो दो क्वार्टर होते हैं ये दी बेस्ट होते हैं जी हाँ दी बेस्ट कैसे जून क्वार्टर कमजोर सेप्टेंबर क्वार्टर थोड़ा ठीक लेकिन फिर ये दो क्वार्टर जो आते हैं ये काफ़ी अच्छे रहते थे लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो आपको मार्च क्वार्टर है ना ये आप बद से बदतर हालत में जा रहे हो तो आने वाले समय में आपको ये देखना है कि आप कंपनी इस चीज़ से ओवरकम कर पाएगी और देखिए यहाँ पर खर्चे सबसे ज्यादा क्या होते हैं कंपनी सिर्फ एक खर्चा है वो है मटेरियल कॉस्ट कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट है ये एक सबसे बड़ा खर्चा है एम्प्लॉय कॉस्ट इस क्वार्टर में थोड़ा बढ़ता दिखाई दे था इसलिए आपको प्रेशर देखने को मिला था तो मटेरियल कॉस्ट अगर आने वाले समय में कमी होती है तो मुक्का प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होगी होगी ओके okay? आप थोड़ा नीचे चलते हैं और इनकी बात करते हैं कि प्रॉफिट तो हो ही गया बात कर लेते हैं कि देखिए कंपनी सेल्स तो बढ़ाई इसमें कोई डाउट नहीं है 2019 में मात्र चार सौ करोड़ था अब सीधा पाँच साल बाद चलते हैं आप 1380 करोड़ में अपना ले आए हैं जहां प्रॉफिट मार्च 14 करोड़ था वो बढ़ करके 74 करोड़ हो गया मार्च क्वार्टर में आपकी ई पी जहाँ गायब थी वो दो रुपए चौंतीस पैसे की हो गई है विच इज टू गुड यानी कंपनी एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ओके अब आगे चलते हैं आप देखें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है बॉरविंग में और ऊपर से क्या कंपनी की जो प्रॉब्लम है ना वो है शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरिंग बहुत ज़्यादा है और जब आपके पास ना शॉर्ट टर्म बोरिंग ज़्यादा होती है आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म बोरिंग में मैं ना थोड़ा उतना ज़्यादा परेशान नहीं रहता हूँ कि लॉन्ग टर्म बोरविंग है आप कह सकते हैं चीज़ें ठीक होती हैं धीरे धीरे पे करना रहता है शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी जब इतनी ज़्यादा हो ऊपर से ईयर ऑन ईयर बढ़ रही हो ये एक चिंता का विषय होता है ठीक है और वाकई में ये चिंता का विषय है और आने वाले सालों में आने वाले साल में ही इसको कंपनी किस तरह ओवरकम करेगी ये ज़रूर देखने लायक रहेगा ओके अगर ये कंपनी कम कर ले जाती है बड़े मात्रा में आने वाले साल में तो मैं बता रहा हूँ आपको स्टॉक में एक बहुत अच्छे रिलीफ रैली आपको देखने को ज़रूर मिलेगी ठीक है हाँ कंपनी का फिक्स एसेट भी है कंपनी के पास चौंतीस करोड़ की लैंड है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और जो प्लांट मशीनरी है वो नाइन्टी थ्री है देखिए मैं बताता हूँ आपको मुझे ना ये लैंड बहुत पसंद है अगर आपके पास एक फिक्स एसेट में लैंड है वो भी काफ़ी अच्छी आप बुरे से बुरे वक्त को निकाल सकते हो इसीलिए आप अगर एक बार जाकर के ना डी मार्ट का जाकर के लैंड देखिएगा आपको समझ में आएगा डी मार्ट इतने ज्यादा महंगे वैल्यूशन में क्यों ट्रेड करता है ओके स्पेशली इस जो इस प्रकार के बिजनेस में रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ अब भाई जो आई कंपनी वाले वो लैंड लेके ले करेंगे क्या ओके ना अब डेबिटेड डेज तो बढ़े हैं उसमें नो डाउट नहीं है अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या प्रॉब्लम है शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये प्रॉब्लम है प्रमोटर ने एक पास सेवेंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट है और ये जून का है ना सेप्टेम्बर अपडेट नहीं हुआ FIIs, है अभी एफ ये घटे हैं डी ने थोड़ा माल बढ़ाया है टू पॉइंट फाइव जीरो कर लिया है पब्लिक के पास बहुत माल है जब तक ये पब्लिक का माल बड़ी मात्रा में जा कर के डी आई या एफ के पास नहीं जाएगा जी हाँ बड़ी मात्रा में तब तक कोई बहुत बड़ी आप रैली होगी ऐसा भूल जाएं और ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ मुक्का प्रोटीन में डिसाइसिव रैली तब तक नहीं आएगी जब तक ये पब्लिक का माल ना इन दोनों के पास बड़ी मात्रा में नहीं जाएगा ठीक है प्रमोटर के पास तो है ही और एक और बड़ा डर ये रहता है जब प्रमोटर के पास ना इतना ज़्यादा स्टेक हो और आपके पास डेट इतना ज़्यादा हो अगर डेट बहुत बढ़ता है और प्रमोटर अगर अपनी स्टेक सेल करने में आ जाता है कि भाई साहब अब मैं स्टेक सेल करने थोड़ा राइज करूँगा क्लासिक एग्जाम्पल है इज माई ट्रिप तो और भी ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस होते हैं और मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ अगर आप मुक्का प्रोटीन में निवेश करना चाहते हैं पर्सनली मैं नहीं उस स्टॉक में अगर आप करना चाहते हैं ये चीज़ ध्यान में जरूर रखिएगा कि अभी ये एक रिस्की स्टॉक है तो यदि आपका रिस्क मार्जिन बहुत ज़्यादा है तो आप करिएगा अगर आपका रिस्क मार्ज थोड़ा कम है मुक्का प्रोटीन को मैं अगर निवेश फिर भी कर रहे हैं स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट जरूर लगाइएगा मुझे पर्सनली स्टॉक मैं अगर थोड़ा ऊपर लेना होगा ले लूँगा लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं आने वाले क्वार्टरली नंबर मुझे देखना है और शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह चेंज होता है ये देखना है मुझे ओके तो एक छोटी एनालिसिस एक व्यूअर के कारण थी ये वीडियो लिए। आपके लिए आया आपको किसी अन्य स्टॉक में अगर कर चर्चा करानी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये इस वीडियो का अंत है जय दोस्तों।